आप सभी मेरे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग छठ गीत के साथ बजाए जाने वाले दीप चंडी ताल ठेका तथा इनके कुछ अलग अलग प्रकार और तिरकिट उठान सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं दीप चंडी ताल ठेका बताता हूँ, जिसका प्रयोग अधिकतर छठ गीत के साथ किया जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग इनके अलग अलग प्रकार सीखेंगे। ठेके के बोल दीप चंडी ताल तो आप जानते हैं कि 14 मात्रे में है, 1 4 11 48 आठवीं मात्रा खाली। बोल हैं धा धीन धा धा तीन ता तीन धा धा धीन। गेस करते हैं कि आप इस बोल को लिख लिए होंगे। चलिए इसे हम लोग बजाना सीखते हैं, देखिए कैसे बजाएंगे। सबसे पहले धा बजाने के लिए स्याही के किनार पर इस फिंगर को ठहराएंगे, ठीक है। मिडिल फिंगर उठा रहेगा, फर्स्ट फिंगर से हम लोग चाटी पर आघात करेंगे, इसे किनार कहते हैं। यहाँ ता और ना बजाएंगे, ठीक है, और डगे पर बजाएंगे घीन। दोनों को एक साथ आघात करेंगे, ये हो जाएगा धा, ठीक है। धा धीन बजाने के लिए लॉ पर बजाएंगे तीन, ये है लॉ, यहाँ बजाएंगे तीन, डगे पर बजाएंगे घीन। दोनों को एक साथ आघात करेंगे, हो जाएगा धीन, धा धीन, ये हो जाएगा न न, ठीक है। धा धी न धा धी न धा धा ती न ती न। उसके बाद ता ती न, ये हो जाएगा ता ती न धा धा धी न धा धी न धा धा ती न ता ती न धा धा ती न, ठीक है। धा धी न धा धा ती न ता ती न धा धा धी न, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग दीप चंडी ताल के कुछ प्रकार सीखते हैं एक दो, ठीक है, जिसका प्रयोग अधिकतर छठ गीत के साथ किया जाता है। तो सबसे पहला प्रकार के बोल लिखेंगे। बोल है धा धीन धा धा तीन ता ता, ठीक है। धा धीन धा धा तीन ता ता। अब देखिए इसे कैसे बजाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका धा, ठीक है। रिंग फिंगर को यहाँ ठहराएंगे, सेम जैसा मैं पहले आपको बताया था, मिडिल फिंगर उठा रहेगा और इंडेक्स फिंगर से चाटी पर आघात करेंगे तो ता और ना सत के बजेगी, डगे पर बजाएंगे घीन। दोनों को एक साथ आघात करेंगे, हो जाएगा धा, लॉ पर तीन, डगे पर घीन। दोनों को एक साथ आघात करेंगे, हो जाएगा धी, हो जाएगा न धी न धा धी न धा धा ती न। उसके बाद बजाएंगे ता ती न धा धा धी न। जब यहाँ धा धा धीन लगा रहे हैं ठेके के, तो यहाँ लगा रहे हैं ता 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 ता, धा धा धीन के जगह ता ता। धा धी न धा धा ती न ता ती न ता ता, है ना। तो ये हो जाएगा इनका वेरिएशन। इसी तरीके से आप इसमें तिरकिट भी यूज कर सकते हैं, ता तिट ये भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे देखिए धा धीन धा धा तीन अब यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं ता ता त्रिक ता ता त्रिक, ठीक है। अलग अलग वेरिएशन भी बना सकते हैं, ठीक है। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट भी होंगे, ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप लोग कायदा पलटा का रियाज करें, जितना हो सके उतना खूब कायदे पलटे का रियाज करें, आपका हैंड फ्रेश होगा और आप जल्द से जल्द तबला बजाना सीख जाएंगे। अब आपको एक हम तिरकिट उठान बताते हैं, ठीक है।
बोल हैं। ता त्रिकिट तक त्रिकिट, देखिए कैसे बजाएंगे। ता ती र की ट त ख ती र की ट ता ती रि तक त्रिकिट, ठीक है। ता त्रिकिट तक त्रिकिट, उसके बाद बजाएंगे धा तीन धा धा तीन धा तीन धा धा तीन, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप शुरुआती से तबला सीखना चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।